स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स यूनिट सेवन एक्सरसाइज 7.4। 7.4 में हमारा एट क्वेश्चन रहता है। एट क्वेश्चन है, पीला रीड 25 पेजेस ऑफ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस, ललिता रीड 12 वाईफाई ऑफ सेम बुक, हु रीड लेस। हमें रहे लेस पेजेस निकालने, टोटल नंबर ऑफ पेजेस राइट किया 100 आ गए। नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय पीला 25, फ्रैक्शन बन गया 25/100। ललिता ने 2/5 पेज ही रीड किए थे, वो एक स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, लीस्ट फ्रैक्शन बना के लिखा हुआ है, हमने लीस्ट फ्रैक्शन बना के 1/4 निकाल लिया। 1/4 और 2/5 को अरेंज किया, इस 4 से इधर मल्टीप्लाई, इस 5 से इधर आ गया, तो इसमें 2/5 बिगर रहता है, 2/5 किसका है, ललिता का, तो उसने लेस जो किया था वही ला। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो लिखा है रफीक एक्सरसाइज फॉर 3/6 ऑफ एन आवर वाइल रोहित एक्सरसाइज फॉर 3/4 ऑफ एन आवर, हु एक्सरसाइज लॉन्गर टाइम। तो हमें एक्सरसाइज करो लॉन्ग टाइम है वो निकालना है, रफीक और रोहित। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है, उसमें एक आवर में हमारे पास 60 मिनट होते हैं, तो रफीक एक्सरसाइज करता है 3/6 और मिनट बना लेते हैं, 3/6 मल्टीप्लाई आवर से, क्योंकि पूछा आपसे लॉन्गर टाइम है, 3/6 तो 60 से मल्टीप्लाई किया तो 180/6 आ गया, 180/6 मिनट आया। तो आगे आ गया रोहित ने किया 3/4, तो 3/4 मल्टीप्लाई 60 That is 180/4 मिनट आ गए। तो हमारे पास जो मिनट्स आ गए वो दोनों आ गए। अब जो ऊपर वाला फ्रैक्शन है उसको काटेंगे डिवाइड करके, तो 180 और 6 18 हुआ, 0 इधर भी 0, 30 आ गए, तो ये 30 मिनट आए। 180 को 4 से किया, 4 जा 16 हुआ, 2 45 मिनट। देख सकते हैं किसने ज्यादा एक्सरसाइज की, 45 मिनट, वो कौन था, रोहित का, रोहित ने ज्यादा टाइम का एक्सरसाइज की हुई है। हमारा क्वेश्चन यही भी खत्म हो गया। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, वो है हमारे पास, उसमें लिखा है ना क्लास ए 25 स्टूडेंट 20 पास इन फर्स्ट क्लास एंड अनदर क्लास बी 30 स्टूडेंट 24 पास इन फर्स्ट क्लास, इन विच क्लास वर हियर मोर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट गेट इन फर्स्ट। तो टोटल स्टूडेंट थे हमारे पास, हम जो लास्ट क्वेश्चन है क्लास 10, क्लास ए का डिटेल लिख रहे हैं हम, टोटल स्टूडेंट आ गए हमारे पास 25। हमें टोटल स्टूडेंट लिखे 25, फर्स्ट जो क्लास पास हुए और 20 थे, फ्रैक्शन आ गया 20/20, बी में 30 थे, फ्रैक्शन फर्स्ट क्लास पास हुआ, फर्स्ट क्लास पास, फर्स्ट क्लास जो पास हुए वो थे 24, फर्स्ट क्लास पास 24, फ्रैक्शन आ गया 24/30। दोबारा से वही करेंगे, 20 लिखा
ऊपर देखते हैं। तो आ जाएगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे अब। तो हमने क्या किया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए 20/25 लिखा, जो फर्स्ट फ्रैक्शन था 24/30 लिखा। इस बार 20 से इसको मल्टीप्लाई किया, इसको तो 600 आया, ये 750, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 25 यहां से आया, तो ये 600 और 750, तो 24 और 25 को मल्टीप्लाई करते हैं 600 आता है। तो हमारा क्वेश्चन और एक्सरसाइज के साथ खत्म होगी। थैंक यू।